बढ़ते आगे, और आपको अब जरा कोविड की अच्छी खबर बताते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, मुल्क के अंदर कोविड 19 की वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज, मीटिंग्स का सिलसिला लगातार सरकारी सतह पर जारी, और मार्च के महीने तक मुल्क में कोविड 19 की वैक्सीन पहुंच सकती है। लेकिन पहले मरहले में जिन लोगों को रखा गया है, 30 करोड़ लोग मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के, जिनको पहले मरहले में कोविड 19 का ही वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बात भी जरूर सामने रखी गई, और वो कमेटी जो लगातार तमाम मेडिकल इदारों के साथ, उन इदारों के साथ जो वैक्सीन में काम करने के लिए शराकतदारी के साथ इस वक्त मसरूफ नजर आ रहे हैं, उनकी निगरानी खुद वजीर आजम कर रहे हैं। जिला और तहसील लेवल पर भी वैक्सीन को लेकर और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या इंतजाम रहेंगे, कैसे इस बीमारी के साथ निपटने के लिए वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाएगी, लोगों में तकसीम की जाएगी, इसका भी खुद वजीर आजम लगातार अपडेट्स वजारत सेहत की तरफ से जो उनसे जानकारी अफसरान से ले रहे हैं। लेकिन बड़ी बात कि कोविड 19 की जो वैक्सीन है वो मार्च के महीने तक मिल सकती है, और पहले मरहले में 30 करोड़ या इससे ज्यादा लोग सामने आएंगे जिनको कोविड 19 का पहला डोज दिया जाएगा। नेशनल वैक्सीन कमेटी की तरफ से बाजाबता तौर पर ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर दिया गया है, और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से मार्च से मई, यानी मार्च अप्रैल और मई, पहले 3 महीनों के दौरान ये वैक्सीन जो है वो बड़े पैमाने पर की जाएगी, और उस सिलसिले में ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा उसको चौक आउट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट, तहसील और ब्लॉक लेवल पर। और यही वजह है कि वजीर अजम ने भी टास्क फोर्स को यह खसूसी काम दिया है कि वो आइडेंटिफाई करे कि पहले मरहले में जिन लोगों को हमने लगाना है टीका मुल्क की सतह पर, वो कौन है, कोरोना वॉरियर जितने भी रहे हैं उन्हें, और 50 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें, या फिर कोई ऐसा बीमार जो मल्टी बीमारियों में है और कोविड का खतरा उसे लाक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम भी गाइडलाइंस को देख रहे हैं और खुद इस मामले की निगरानी भी कर रहे हैं। कल मरकजी वजीर और मरकजी टास्क फोर्स की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा मार्च से मई के दरमियान, उस पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको याद होगा कि मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कोविड 19 वैक्सीन के हवाले से गुज़श्ता दिनों इस बात की वजाहत की थी कि 2021 के पहले 3 महीनों के दौरान वैक्सीन आएगा, और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि मार्च से मई के बीच में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुल्क के अंदर शुरू किया जा सकता है, और इस सिलसिले में ब्लूप्रिंट को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। 40 से 50 करोड़ डोजेस जो है वो खरीद रही है भारत सरकार, और भारत सरकार के पास जो ब्लूप्रिंट है वो है 40 से 50 करोड़ डोजेस लेने का, और तकरीबन नेक्स्ट जुलाई तक, यानी अगले साल 2021 जुलाई तक जो है वो 50 करोड़ के आसपास लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच सकता है। इस तरीके की तैयारी जो है वो बड़े पैमाने पर मुल्क के अंदर की जा रही है, और फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि 5 बड़े प्लेयर्स इस वक्त मैदान के अंदर है जो मुल्क के अंदर भी काम कर रहे हैं और बैरून मुल्क भी कोविड वैक्सीन के हवाले से काम कर रहे हैं, जिनमें तीसरा और फाइनल स्टेज कुछ कंपनियों की तरफ से क्लियर भी कर दिया गया है और उसके मस्बत नतायज आए हैं, और आलमी इदारे सेहत की तरफ से भी उसे कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया जा रहा है, और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन जो है वो अब हमारे मुल्क के अंदर मार्च और मई के वस्त के मार्च से मई, यानी इन 3 महीनों के दौरान पहुंचेगा, और पहले मरहले में 50 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। तो बड़ी खबर वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि लगातार लोग वैक्सीन की खबर जो है वो सुनना चाहते थे, इसलिए हम पल पल का अपडेट आपको वैक्सीन का बता रहे हैं। खबर